नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को वैसे तो कई सारे लोग हैं जो गाने देते हैं, लेकिन उन राइटरों में एक राइटर की हमेशा अलग पहचान और सुर्खियां बनती है और वो राइटर कोई और नहीं बल्कि अजीत मंडल हैं। जी हाँ, बात करें तो रिक्रिएशन भोजपुरी इंडस्ट्री की दुनिया में सबसे बड़े नाम के रूप में उनका नाम जाना जाता है और रिक्रिएशन के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े गाने वो कहीं ना कहीं करते हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह से लेकर समर सिंह से लेकर रितेश पांडे से लेकर और भी तमाम जो कलाकार हैं, अक्षरा सिंह से लेकर तमाम लोगों के साथ वो काम कर चुके हैं और मैक्सिमम कलाकारों के साथ वो गाना ट्रेंडिंग में दिए हैं। लेकिन इस कड़ी में खेसारी लाल यादव और अजीत मंडल की जोड़ी एक बार फिर से कमबैक कर रही है, वापसी कर रही है और कब करेगी इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो लिरिसिस्ट जो अजीत मंडल हैं, वो खेसारी लाल यादव को कई सारे ऐसे गाने दे चुके हैं जो ट्रेंडिंग सेक्शन में तबाही मचा दिया है, जिसमें जय जय शिव शंकर की बात कर लूं, पानी पानी की बात कर लूं। इसके अलावा उनका एक और गाना मुझे याद आ रहा है जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ था, आशिक। आशिक गाना जो कि अलग चैनल पर रिलीज किया गया था, वो गाना भी ट्रेंडिंग सेक्शन में बना हुआ था। और ऐसे तमाम गाने हैं जो खेसारी लाल यादव के लिए लिरिसिस्ट अजीत मंडल ने लिखा है और वो गाने सोशल मीडिया पर आग की तरह सुर्खियां बटोरा है। इस कड़ी में एक बार फिर से कमबैक अजीत मंडल कर रहे हैं और ये जानकारी मुझे मिली है कि अजीत मंडल जो है कल यानी कि मुंबई में वो गाने की रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच अजीत मंडल का सारे गमा हम भोजपुरी पर धमाल और बवाल का गाना आने वाला है और वो गाना बोलबम के बाद होगा, यानी कि लोकगीत का गाना होने वाला है और सारे गमा हम भोजपुरी पर एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का रिक्रिएशन अजीत मंडल के कलम का जादू में देख सकते हैं। तो एक बड़ा अपडेट था, मुझे लगा आपको इस पर अपडेट दे देनी चाहिए। बाकी इस जोड़ी को लेकर आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इस जोड़ी का गाना आपको